ये देख रहे हो यहाँ पे थार लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है? ये देखो थार लाइटिंग सेक्शन, भाई क्या जबरदस्त लुक लाया है इस गाड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम बेस्ट होंगे। दोस्तों अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल न्यू महिंद्रा थार देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अभी क्या होता है ना, लोग शोरूम से गाड़ी खरीदने के बाद है ना सीधे उसको मॉडिफाई कराने जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाकर उसको थोड़ा सा और भी भयानक बनाते हैं। मतलब कहने का सेंस कि इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा और अच्छा खासा लेवल पे इसको और एसेसरीज लगाकर उसको एक अच्छे लुक के लिए इन्हांस करते हैं। लेकिन अब आपको डीलरशिप से ही मिलेगा पूरा फुल फीचर लोडेड गाड़ी। आप जैसा कि आगे से आकर दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे ना, ये आपको इसमें मॉडिफाइड किया गया है। फ्रंट में इसकी बम्पर साइड की बात करें तो ये भी आपको फुली मॉडिफाइड किया गया है। लाइटिंग सेक्शन की बात करें तो मॉडिफाई किया गया है। भाई साहब इस गाड़ी में ना आपको 1,75,783 रुपीज़ का एसेसरीज लगाया गया है। गाड़ी के साथ साथ आपको मिलता है 1,75,783 रुपये का एसेसरीज। अब वो कौन कौन सा एसेसरीज है इसके, अब इंटीरियर में आप बैठोगे ना तो इंटीरियर में भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे लाइटिंग सेक्टर एकदम मस्त तगड़ा लुक ये प्रोवाइड कराता है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके सारा कुछ बताता हूँ कि कौन कौन सा फीचर्स है, कितना प्राइस है, क्या प्राइस लगा है, कौन से पार्ट्स का कितना प्राइस लगा। और वहीं बात करते हैं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस ना, तो 15,51,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में देखने को मिलता है। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात कर ले तो आपको लगभग आनंद मोटर्स डाल्टनगंज में 18,34,000 के आसपास इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज मिलता है, उसका पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ 1,75,783 रुपीज़ लगता है। उसमें क्या लगता है, सबसे पहले तो भाई किंग कॉन्ग हेडलाइट है, जो कि पैसा भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप इसका किंग कॉन्ग हेडलाइट देखिए, नजदीक आकर यहाँ दिखाइए आप, ये देखिए ये है किंग कॉन्ग का हेडलाइट। आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बॉर्डरिंग एरिया से देखेंगे तो फुल्ली आपको एलईडी में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लू लाइट मिलता है और भी बहुत तरह के लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको सिनेमेटिक में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको किंग कॉन्ग का हेडलाइट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे ना इसके फ्रंट ग्रिल के पास तो DRLs देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल से बल्ब में आपको DRLs मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्रंट से। प्राइस की अगर बात करें तो 12,000 का ये आपको किंग कॉन्ग का हेडलाइट देखने को मिल जाता है। तो भाई किंग कॉन्ग का हेडलाइट आपको 12,000 का मिलता है। इसके साथ साथ लाइट ग्रिल जो है ना वो आपको 11,250 रुपीज़ का। ये जो ग्रिल में आपको लाइट सेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, बाकी बात कर ले पीछे साइड से, इसका प्राइस जो है ना वो आपको पड़ता है 11,250 रुपीज़ के आसपास। इसके बाद थर्ड अगर बात करें तो ABS बम्पर का भाई जो प्राइस पड़ता है 32,500 के आसपास। यहाँ पे आप जो बम्पर देख रहे हो, ये जो बम्पर यहाँ पे गया है, नज़दीक से आप यहाँ पे अगर आप दिखाइएगा तो यहाँ पे 4x4 का बेजिंग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो मैट में 4x4 का बेजिंग देखने को मिलता है, लाइटिंग सेक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो बम्पर है सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपको इसका बम्पर देखने को मिलेगा। प्राइस की बात कर ले इसके बम्पर की तो यहाँ पे 35,250 रुपीज़ में आपको इसका फ्रंट का बम्पर और रियर साइड में भी बम्पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ साइड बॉडी क्लाइडिंग, अब आपको मैं इस साइड से यहाँ पे दिखा दूँ तो ये जो क्लाइडिंग देखोगे, SUV है तो प्रॉपर SUV वाली फील देने के लिए आपको यहाँ पे ये जो क्लाइडिंग ये सब दिख रहा होगा ना, यहाँ से लास्ट तक आपको मतलब पूरे बॉडी में आपको गाड़ी के साइड बॉडी में क्लाइडिंग देखने को मिलता है। इसका मैं प्राइस की अगर बात कर लूँ तो भाई साहब अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ साइड बॉडी क्लाइडिंग का प्राइस तो 9,039 रुपया, यानी 9,039 रुपीज़ के आसपास इसका साइड का क्लाइडिंग लगता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोम का भी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं पियानो ब्लैक मिरर एप्लीक्यू पियानो ब्लैक मिरर, आप यहाँ पे देखोगे ये मिरर के पास पियानो ब्लैक का फिनिशिंग, आपको थार का बेजिंग लिखा हुआ पियानो ब्लैक में मिलता है। इसकी प्राइस की अगर बात कर ले तो 1100 के आसपास इस पार्ट्स का प्राइस रखा गया है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें लगाया गया है। इस गाड़ी के इंटीरियर में जब आप बैठोगे तो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट लगाया गया, जिसका प्राइस आपको 39,000 पड़ता है। यानी सबसे ज़्यादा प्राइस अगर मैं बात करूं तो 39,000 इसका इंफोटेनमेंट का पड़ता है, जो कि 10.25 इंच का इसके इंटीरियर में है। अभी मैं अंदर बैठूंगा तो आपको दिखाऊंगा क्या कुछ फीचर्स मिलता है उसमें, एप्पल कारप्ले है कि नहीं, एंड्रॉयड है कि नहीं, वो चीज़ दिखाऊंगा। और दूसरा बड़ा कॉस्टली चीज़, ये जो बम्पर है ना फ्रंट का ABS बम्पर, ये आपको 32,000 के आसपास इसका बम्पर मिलता है। इसके साथ साथ स्पीकर कवर मिलता है। इंटीरियर में अगर आप आते हो तो आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। अब स्पीकर में धूल मिट्टी नहीं लगे उसको बचाने के लिए स्पीकर कवर मिलता है एसेसरीज के तौर पे।
स्पीकर कवर की अगर प्राइस की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 17,000 का स्पीकर का कवर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लाइट एसी वेंट विंग, इसमें भाई अब लाइट एसी वेंट, अब सारा चीज जो है ना वो आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे नॉर्मल सा क्लिक करता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स हैं, ले चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और वहाँ पे वन बाय वन करके आपको बताते हैं। इधर से आप आइए और अभी मैं आपको इसके इंटीरियर में बैठ कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे थार लिखा हुआ रहा है, दिख रहा है, ये देखो थार। लाइटिंग सेक्शन भाई क्या जबरदस्त लुक लाया है इस गाड़ी में, आप भाई आपके दिल खुश हो जाएंगे देखने के बाद। तो भाई अभी अंदर बैठने के बाद सबसे पहले बात करते हैं इस पे इसके स्पीकर के साइड में। तो स्पीकर की साइड अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो भाई सबसे पहले तो इसको विंडोज़ को बंद कर लेते क्योंकि एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आया इसके चलते इसके विंडोज़ को बंद कर लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 10.25 इंचेस का आपको यहाँ पे हाइपरसोनिक का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 39,000 के आसपास इसका प्राइस मिलता है सिर्फ भाई इसके इंफोटेनमेंट का 39,000। म्यूजिक सिस्टम, वीडियो, ब्लूटूथ, नेविगेशन, रेडियो, एप्स, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। होम आपको यहाँ से मिलेगा जिसमें आप अपना सारा सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी, गूगल, मतलब फुली एंड्रॉयड के जैसा है, एप्स एंड कनेक्शन, डिस्प्ले, साउंड, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से रेडियो कॉल के ऑप्शन है, यहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। इसके साथ साथ म्यूज़िक के, GPS के, आपको माइक के कॉम सारे चीज़ यहाँ पे बटन्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा चीज़ ना स्पीकर कवर, अभी मैं आपको बता रहा था स्पीकर कवर्स, तो स्पीकर कवर्स के पास आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारा चीज़ जो है ना, यहाँ भी स्पीकर्स लगा हुआ है, यहाँ भी आपको नीचे में स्पीकर्स लगा हुआ है, बाकी अगर आप ऊपर में देखते हो तो यहाँ भी ऊपर में आपको स्पीकर लगा हुआ है। तो स्पीकर के जस्ट ऊपर में ये जो कवर और ये जो यहाँ पे लाइटनिंग आप देख रहे होगे ना, रात में दिखाता तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। यहाँ पे ये जो लाइटिंग अगर आपको दिख रही होगी हमारे कैमरे से, तो ये जो चीज़ है इसका प्राइस आपको मिल जाता है भाई, इसमें आपको 17,000 लगता है स्पीकर कवर का। इसके साथ साथ लाइट एसी वेंट बिग, लाइट एसी वेंट बिग बोलने का सेंस कि यहाँ पे ये जो एसी वेंट के पास ये जो एम्बियंट लाइट जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे लाइट देखोगे, यहाँ पे लाइट देखोगे, वहाँ एसी वेंट के पास लाइट देखोगे, यहाँ एसी वेंट्स के पास लाइट देखोगे, इसका प्राइस आपको मिलेगा भाई यहाँ पे 11,250 रुपीज़ के आसपास इसका लाइट एसी वेंट बिग का लाइट मिलता है। और तीसरा चीज़ एम्बियंट लाइट, भाई एम्बियंट लाइट जो है ना ये आपको महिंद्रा का नहीं मिलता है, चाइनीज मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे एम्बियंट का थार दिख रहा है, अरे भाई रात में देखोगे तो माँ कसम यार क्या गजब शानदार खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे ये जो एम्बियंट लाइट है ना, ये सारा चीज़ जो लाइट आपको दिख रहा है, अभी नीचे आप हमारे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आपको लाइट देखने को मिलेगा, ये सारा चीज़ लाइट दिख रहा है, ये आपको एम्बियंट लाइट देखने को मिलता है। और यहाँ से ना इसके सारे कंट्रोल को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके सारे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आप दूर से यहाँ पे दिखाइएगा, इसके सारे कलर्स को आप देखिए वहाँ पे, यहाँ से हम सारे इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हो, दूसरा कलर, तीसरा कलर, ये। तो भाई इस टाइप से आपको यहाँ पे इसका लाइट का कलर्स भी देखने को मिलता है। और इसका जो प्राइस है एम्बियंट लाइट का ना, 16,500 रुपीज़ आपको इसका एम्बियंट लाइट का प्राइस मिलता है। और पता है इसका भाई कोई गारंटी नहीं मिलता है। एक और चीज़, एम्बियंट लाइट जो है वो चाइनीज़ है, इसका कोई गारंटी आपको नहीं मिलता है। दूसरा स्टेपनी कवर, अब आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से नहीं बाहर से। बात करते हैं अब इसके पीछे साइड से कि पीछे में क्या क्या कुछ चेंजेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो व्हील कैप है ना, यहाँ पे भाई 4x4 का बेजिंग है, और यहाँ पे इसका जो व्हील का स्टेपनी है ना, इसका कवर, स्टेपनी का इसका जो कवर आप देखोगे, इसका व्हील का कवर जो है वो आपको मिलता है 6,750 रुपीज़, यानी 6,750 रुपीज़ के आसपास इसका स्टेपनी का कवर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जेड टाइप टेल लाइट मिलता है। अभी मैं आपको यहाँ पे देखोगे जेड टाइप टेल लाइट, अभी मैं चलो आगे बैठ कर दिखाता हूँ, आप यहीं से फोकस करना, मैं अभी आपको ब्रेक लेकर दिखाता हूँ। आते हैं गाड़ी में, बैठते हैं, बैठने के बाद की लगाते हैं, की लगाने के बाद ये देखो यहाँ पे आपको जेड टाइप दिखा, तो भाई ये है इसका जेड टाइप का लाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो जेड टाइप का लाइट आपको इस गाड़ी में लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को अट्रैक्टिव बनाता है। अभी आपको दिखा होगा जेड टाइप स्टेपनी लाइट, जो कि 11,250 रुपीज़ का लगाया गया है, जो कि आप यहाँ पे भी है और पीछे में भी है, और रिफ्लेक्टर के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ जेड टाइप से देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जेड रिफ्लेक्टर लाइट, अभी मैं बात कर ही रहा था रिफ्लेक्टर लाइट का,
यहाँ पे जेड का रिफ्लेक्टर लाइट भी देखने को मिलता है, जो कि 1800 का यानी 1800 रुपए का यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है। विंडोज लेमिनेशन, अब विंडोज लेमिनेशन क्या होता है भाई साहब, आगे से आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए विंडोज लेमिनेशन, यहाँ पे इसका जो विंडोज है ना, इस पे ब्लैक कलर का कोटिंग किया गया है, लेमिनेशन किया गया है। आप इस साइड से देखोगे तो अंदर का चीज़ नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट मेरा फेस दिख रहा है। तो कहीं कहीं होता क्या है ना कि डायरेक्ट होता है कि ब्लैक शीशा को अलाउ नहीं करते हैं, तो उस जगह पे आप क्या करते हो कि अपने विंडोज़ को, अपने शीशे को लेमिनेशन करा देते हो। तो यहाँ पे आपको कंपनी खुद, डीलरशिप वाले खुद लेमिनेशन करा के दे रहे हैं, और इसका प्राइस वो आपसे ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़। इसके साथ साथ कंफर्ट किट मिलता है आपको 2350 रुपये का। कंफर्ट किट बोलने का सेंस कि बहुत सारे चीज़ आप अंदर में भी देखोगे तो कंफर्ट के साथ मिलता है। अंदर में सीट वीट की बात करें तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आपको कुशन, ये सब, ये सारा चीज़ कंफर्ट में जुड़ जाता है। तो कंफर्ट किट जो है वो आपको मिलता है इस गाड़ी में, टोटल 2350 रुपये का कंफर्ट किट देखने को मिलता है। तो भाई ये था महिंद्रा का थार। बात करते हैं टोटल एसेसरीज़ का, तो यहाँ पे आपको 1,75,783 रुपीज़ का इतना सारा चीज़ आपको मैंने दिखाया, जो कि एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया है एज एन एसेसरीज। गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको 18,34,000 ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, विथ एसेसरीज ऐड कर दोगे तो और आपका प्राइस बढ़ जाएगा। और ये आपको गाड़ी मिलेगा आनंद मोटर्स डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ है? झारखंड में। स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, आप कॉल करके एसेसरीज से रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हो। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।